हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आपके घर पर टीवी चल रहा है लेकिन दोस्तों जो उसका जो पिक्चर क्वालिटी है वो एकदम वाइट आ चुका है या फिर कुछ ज़्यादा ही गहरा हो चुका है, रंगीन हो चुका है या फिर पूरा ही ब्लैक एंड वाइट चल रहा है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस कलर को एडजस्ट करने वाले हैं। हम चेक करने वाले हैं कि अगर आपके डिश हो या फिर एलईडी टीवी हो उसके अंदर आपका भी कलर सफ़ेद हो चुका है या फिर ज़्यादा रंगीन हो चुका है तो आप उसको कैसे सेट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो दो सेटिंग है आपको दिखाई जाएगी इस वीडियो में। अगर आपकी डीडी फ्री डिश है तो आपको डीडी फ्री डिश का भी इसके अंदर दिखाया जाएगा, और अगर आपके घर पर एलईडी टीवी है तो उसकी भी सेटिंग आपको दिखाई जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी डीडी फ्री डिश या फिर किसी भी टीवी का कलर एकदम 100% गारंटी के साथ सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है और आपको ध्यान रखना है कि मैं क्या बता रहा हूँ इसके अंदर वही सेटिंग आप इस डिश के अंदर या फिर अपने एलईडी टीवी के अंदर करना है। तो दोस्तों, इसमें आपको एलईडी के लिए जो फंक्शन है वो भी दिखूंगा और टीवी के लिए जो फंक्शन होता है वो भी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट करते हैं डीडी फ्री डिश के फंक्शन से। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका स्क्रीन है वो आप देख सकते हैं एकदम वाइट आ रहा है, यानी ब्लैक एंड वाइट। जो पहले क्वालिटी आती थी, यानी जो पुराना टाइम में ये जो क्वालिटी चलती थी वो ब्लैक एंड वाइट में चलती थी। तो अब दोस्तों, हम इसको सही करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, किसी और चैनल पर चला जाता हूँ, यानी दोस्तों बंद चैनल पर चला जाता हूँ ताकि कॉपीराइट की संभावना ना आए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो लाइंस है ये आपको दिख रही होगी, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आपके ये लाइंस आए, ये दोस्तों एक बंद चैनल की लाइंस है जो कि दोस्तों डीडी फ्री डिश से रिमूव हो जाते हैं, उन चैनलों की लाइंस है। लेकिन दोस्तों, आप किसी भी चैनल पर किसी भी मोड पर आपको इसको सेट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर कॉपीराइट से बचने के लिए इस चैनल को लगाया हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो चैनल है वो मैंने लगा दिया है यहाँ पर टेस्ट 420, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, किसी भी आप अपनी डिश को या टीवी को सही कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे इस चैनल को लगा दिया है। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, आपको सबसे पहले अपने डीडी फ्री डिश की सेटिंग को चेक कर लेना है। अगर आपके डीडी फ्री डिश की सेटिंग को चेक करेंगे, अगर मिस्टेक है तो दोस्तों आपका कलर सही हो जाएगा। अब दोस्तों, हम क्या करते हैं, सिंपल सा अपने डीडी फ्री डिश के रिमोट से मेनू बटन को दबाते हैं। मेनू बटन दबाने के बाद देखिए दोस्तों, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों, आपको क्या करना होगा, सबसे नीचे जाना है सिस्टम सेटअप पे। जरूरी नहीं है दोस्तों ये सिस्टम सेटअप सबसे नीचे ही आए, अगर आपकी डीडी फ्री डिश और वर्जन का है तो आपको ये ऊपर भी देखने को मिल जाता है। तो आप इसको कहीं पर भी ढूंढ कर यहाँ पर आपको चले जाना है। मुझे यहाँ पर सिंपल सा आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखिए दोस्तों, आपके सामने एक नई लिस्ट ओपन हो जाती है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे टीवी सिस्टम दिख रहा है सबसे ऊपर वाला, इसी पर दोस्तों आपको ओके कर देना है, ठीक है दोस्तों। आप अपने डीडी फ्री डिश के हिसाब से यहाँ पे सर्च कर लेना। तो मैं यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो टीवी सिस्टम है NTSC यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। आपको दोस्तों इसको क्या करना होगा, जो हम आवाज़ बढ़ाते हैं टीवी की, यानी टीवी की आवाज़ बढ़ाते हैं उसी से हम इसको सेटअप करते हैं, यानी इसको आपको PAL या फिर ऑटो यहाँ पर आपको करना होगा। तो देखिए दोस्तों, मैं जो आवाज़ बढ़ाते हैं वॉल्यूम का बटन होता है उसके थ्रू यहाँ पर हम इसको चेंज करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे ऑटो कर दिया है, ठीक है दोस्तों। अब ऑटो करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो कलर है बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। देखिए दोस्तों, आपको क्या करना होगा, जब आपके डीडी फ्री डिश लगा हुआ है और आपका जो एलईडी लगा हुआ है, तो दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, ये जो मोड होता है दोस्तों, आप ऑटो देख सकते हैं, ये अपनी एलईडी के अंदर वर्क नहीं करता है। ये दोस्तों, अगर आपकी टीवी है तो दोस्तों आप जैसे ही यहाँ पे ऑटो करेंगे तो दोस्तों आपका यहाँ पे कलर सही हो जाएगा। 100% गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों, अगर आपकी टीवी है और टीवी में कलर सफ़ेद हो चुका है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे NTSC आपका आ रहा है, तो दोस्तों आप इसको ऑटो कर दीजिए। ऑटो करने के बाद दोस्तों, आपके सामने आपका जो टीवी का कलर है वो रंगीन हो जाएगा। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि हमने यहाँ पर ऑटो कर दिया तो फिर हमारा कलर सही क्यों नहीं हुआ अभी तक।
तो चलिए दोस्तों इसके अंदर और कुछ भी सेटिंग नहीं करनी। अब आपको सिंपल सा यहाँ पे एग्जिट हो जाना है, यानी डीडी फ्री डिश के बारे में आपको अब रिमोट को आपको नहीं छेड़ना। अब दोस्तों आपको अपने टीवी का रिमोट ले लेना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे टीवी का रिमोट ले लिया है, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से इसका रिमोट आता है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे जो मेनू बटन दिख रहा है, ये देखिए दोस्तों मेनू बटन है, तो आपके एलईडी पर भी मेनू बटन देखने को मिल जाता है, उसको आपको प्रेस कर देना है। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे इस मेनू बटन को प्रेस किया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो अलग अलग आपको देखने को मिल जाते हैं, पिक्चर, साउंड, यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों मैं इसमें दो तरीके से आपको बताऊंगा अपनी एलईडी के अंदर इसको कैसे सही करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक तो पिक्चर आ चुका है, तो पिक्चर पे आप जब जाएंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, ये आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। दोस्तों आपको कॉन्ट्रास्ट 50 कर देना है, ब्राइटनेस 50 कर देना है, और जो सेचुरेशन है दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको दिख रहा है सेचुरेशन, ये दोस्तों हमारे यहाँ पे 0 हो रखा है। तो सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। तो देखिए दोस्तों मेन जो कलर का सिस्टम काम करता है यही करता है। अगर दोस्तों आपके सामने सिचुएशन नहीं आता है, तो आपके सामने कुछ भी अगर पिक्चर मोड में आपका कोई आता है, अगर 0 पे है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे इसको बजा देना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको बजा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ पे बजाया है, यहाँ पर 50 किए, तो देखिए दोस्तों कलर बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे फिर से बैक हो जाता हूँ, यहाँ पे इसको कन्फर्म कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे आपको चैनल चेंज करके दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये चैनल है वो एकदम क्लियरली चलने स्टार्ट हो चुके हैं, और यहाँ पे आप कलर भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आपके वो कलर नहीं आता है, यानी वो सिस्टम नहीं आता है, तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, सिंपल सा दोस्तों आपको यहाँ पे फिर से मेनू बटन दबाना होगा। मेनू बटन दबाने के बाद देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे जो पिक्चर मोड है उस पर आपको चले जाना है, और यहाँ पे आपको एडवांस वीडियो पर चले जाना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों अलग अलग ऑप्शन आपको इसके अंदर भी देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों आप इसके अंदर भी अगर आपके 0 हो रखा है, तो दोस्तों आप इसको सेट कर लेना। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आपको पूरा रीसेट करना है, तो आपको मेनू बटन दबाना होगा, उसके बाद में आपको सिस्टम सेटअप पर चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे जो सारे सिस्टम है वो एकदम आपको रीसेट करना है, तो दोस्तों आप रीसेट कर सकते हैं। और बाई चांस अगर आप रीसेट नहीं करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये 100% हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे डीडी फ्री डिश का कलर और हमारी एलईडी का कलर है, जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं एकदम कम्प्लीटली सही हो चुका है, और दोस्तों आपका भी यहाँ पे 100% कलर सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।